Hello everybody, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing very well. We are here to discuss the very, very, very new amendment जो कि आपके institute लेके आई है in the form of CSEET, that is Company Secretary Executive Entrance Test. So आप जानते हैं ये एक entrance test है for your CS executive, right? So ma'am, क्या आप हमें CS foundation नहीं देना है? नहीं, sorry, there is nothing like CS foundation now. अब आप देंगे बस CS executive entrance test. इसका मतलब है कि once you qualify this entrance test, you will be eligible to appear in your CS executive examination, that is level 2 of your course, right? So ma'am, पहले भी तो ऐसे ही होता था, पहले भी हम foundation का paper देते थे and all this, right? लेकिन CSEET में और आपके CS फाउंडेशन में सबसे बड़ा फर्क क्या था? CS फाउंडेशन में आप पेपर कितने देते थे? 4. यहाँ पे आप कितने देंगे? 4, राइट. वहां पे आप क्या होता था? 4 दिन में 4 पेपर देते थे. यहाँ पे आपका एक दिन में एक टेस्ट होगा, विच इज CSEET. तो यानी कि अब हम कंपेयर करने के बजाय एक काम करेंगे, हम पूरी तरह से CS फाउंडेशन को भूल जाएंगे, राइट. और हम क्या ध्यान रखेंगे? CSEET, करेक्ट. सो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द पेक्युलैरिटीज अबाउट CSEET एंड देन आई विल टेल यू व्हाट एम आई डूइंग हियर, राइट. सो CSEET में अगेन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, आपके 4 पेपर्स हैं. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4. Your paper 1 is about business communications. Your paper 2 is about legal reasonings. Your paper 3 is about business economics and business environment, and your paper 4 is about current affairs. Okay, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूं आपको CSEET, और उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करूंगी कि मैं आपके साथ क्या डील करने वाली हूं अबाउट मी एंड माय पेपर. ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट CSEET. दिस एग्जामिनेशन इज, टोटल मार्क्स कितने हैं इसके? 200 मार्क्स का ये आपका पेपर है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से. 200 मार्क्स का ये पेपर है जिसमें कि आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे 170 मार्क्स की. तो मैम 30 मार्क्स का क्या होगा हमारे साथ? 30 मार्क्स का आपका एक वाइवा होगा. वाइवा तो सुना होगा, स्कूल में होता था ना वाइवा, एक एक बच्चे का ओरल टेस्ट. जी हाँ, वही होगा आपका, एक एक का वाइवा होगा एंड विच विल बी ऑफ 30 मार्क्स, राइट. अब मैम ये 170 मार्क्स किस तरीके से डिवाइडेड है और ये 30 मार्क्स का वाइवा किस चीज के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं. बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर आपका 50 मार्क्स, लीगल रीजनिंग का पेपर आपका 50 मार्क्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर आपका 50 मार्क्स और करंट अफेयर्स का पेपर आपका होगा 20 मार्क्स का, विच टोटल्स अप टू 170 मार्क्स, राइट. सो 170 मार्क्स के लिए आप ये 4 पेपर्स पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने वाले हैं, ओके. और 30 मार्क्स के लिए आप क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. जी हाँ, वही चीज जिसको आज तक आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इग्नोर किया है, राइट. हर पर्सन इग्नोर करता है प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. लगता है ये क्या चीज है भाई, ये भाषण देना कौन सिखाता है? हमें नहीं देना भाषण, हमें सुनना पसंद है, लेकिन अब देना पड़ेगा, राइट. 30 मार्क्स अगर चाहिए तो भाषण देना सीखना भी पड़ेगा और भाषण देना भी पड़ेगा. प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब क्या है, इन सब बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे, ओके.
सो अब मैं बात करने वाली हूं कि ये आपका पेपर हो गया कितने मार्क्स का और आपकी मार्क्स की अलॉटमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये टेस्ट कितनी देर का होगा। मैम टोटल मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू टोटल टाइम व्हिच इज 120 मिनट्स। ओके सो 120 मिनट्स में यू हैव टू वर्क फॉर 170 मार्क्स। डोंट फॉरगेट 120 मिनट्स में आपको काम करना है 170 मार्क्स के लिए। बट अगेन क्या मैम यहाँ पे पेपर पैटर्न क्या होगा, क्या हमें आंसर्स लिखने हैं, हमें क्या करना है, दिस इज कंप्लीट MCQ। ओके अब हम क्या बात करें, अब हम बात करें पेपर पैटर्न के बारे में आपकी। सो दिस इज कंप्लीट MCQ, ये आपका पूरी तरह से एक MCQ पेपर है। ओके मुझे यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखना चाहिए क्योंकि ये सबसे अट्रैक्टिव चीज है कि दिस इज कंप्लीट MCQ। ओके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें हम लोग जय माता दी करके मार्क्स नहीं लेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर हम लोग सही क्वेश्चन सही ऑप्शन को टिक करेंगे, राइट। सो दिस इज योर MCQ। नाउ दिस MCQ विल कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बट ऑल द क्वेश्चंस विल नॉट बी ऑफ 1 मार्क्स ईच। नो कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के होंगे। ओके सबसे जो अच्छी बात है, जो बहुत 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 खुशी की बात है वो है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो आई शुड डू इट लाइक दिस, देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, यानी सच में अगर जय माता दी करके भी टिक लगा दो तो भी लगा के आना क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं है, यानी कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके मैम आपने इतना सब कुछ बताया, ये तो बताइए कि CS इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया क्यों, बताइए क्यों किया होगा ऐसा। ऑफ कोर्स ही बात है, द वे वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द नीड ऑफ द आवर इन दिस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में हमें किन चीजों की जरूरत है, हमें बहुत ही शार्प प्रोफेशनल्स की जरूरत है। ठीक है, थ्योरी पढ़ना और पोथा लिखना एक जगह। ओके जब हम लोग सब्जेक्टिव पेपर्स लिखते थे तो वो एक चीज होती थी, उसको चेकिंग करने में भी टाइम लगता था और कई बार स्टूडेंट की एफिशिएंसी पता नहीं चलती थी। इस टेस्ट से हमें स्टूडेंट की एफिशिएंसी पता चलेगी एंड ओनली दैट स्टूडेंट विल बी अलाउड टू मूव फॉरवर्ड विद CS एग्जीक्यूटिव, जो अपने आप को इस एंट्रेंस टेस्ट में प्रूव करके दिखाएगा। ठीक है, सो दिस इज टुवर्ड्स बिल्डिंग अ नेशन ऑफ शार्प प्रोफेशनल्स। ओके शार्प एंड इंटेलिजेंट प्रोफेशनल्स। ओके नेक्स्ट, अब हम किस बारे में बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं कि मैम ये हमारा नया नया आया है CSEET जिसमें हमारे 4 पेपर्स हैं। ओके आपका इस तरह से मार्क्स का अलॉटमेंट है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टोटल टाइमिंग आपको उतना मिलता है और सारे क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के भी हैं। ओके अब मैं आपको एक सबसे अट्रैक्टिव चीज बताऊं, CS फाउंडेशन के मौके आपको मिलते थे साल में 2 बार, जून एंड दिसंबर, पर CSEET के मौके आपको मिलेंगे साल में 4 बार। भगवान करे कि आपको 4 मौके ना मिले, आप सिर्फ 1 मौके में ही पास हो जाओ, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। ओके सो ये CSEET आपका क्वार्टरली है, ठीक है, दैट इज अ क्वार्टरली पेपर, मतलब आपको 4 बार मौका मिलेगा इसका। कब कब आई शुड टेल यू, कैसे याद रखोगे, जून और दिसंबर में आपका पेपर होता था तो आपके इंस्टीट्यूट ने आपके लिए क्या मौका दिया है, जून से पहले मई और जून के बाद जुलाई। ठीक है, तो आपको मौका मिलेगा मई में, जुलाई में, फिर दिसंबर में आप पेपर देते थे तो दिसंबर के पहले नवंबर और दिसंबर के बाद जनवरी, तो नवंबर में और जनवरी में। So you can see all the 4 quarters are being covered here. This is quarter 1, this is quarter 2, this is quarter 3 and this is quarter 4. इसलिए ये exam एक quarterly exam कहा जा रहा है, बच्चे को 4 मौके दिए जाएंगे। ठीक है, so this cycle can be ये cycle repeat भी हो सकती है, but please आप कोशिश करो कि आप जब भी appear करो तभी flying colors के साथ you are out of it. Okay, now comes the most important criteria, ma'am. पास कब माना जाएगा, कब कहा जाएगा कि हम इसमें पास हो गए। तो आप इसमें पास हो गए जब आप
हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितना लेके आओगे? 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, 40% ऑफ मार्क्स, ठीक है? यानी कि ये 50 मार्क्स का पेपर है तो इसका 40% कितना हुआ? 20. सो आपको मिनिमम 20 इसमें लाना पड़ेगा, मिनिमम 20 इसमें लाना पड़ेगा, मिनिमम 20 इसमें लाना पड़ेगा, और मिनिमम 20 आपको इसमें और इसमें कंबाइंड लाना पड़ेगा, ठीक है? सो दैट विल सफाइस टू योर 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड 50 मार्क्स इन एग्रीगेट, 50% मार्क्स इन एग्रीगेट. यानी कि अगर आप सिर्फ इसमें 20, 20, 20 और 20 ऐसे लेके आए तो आप सिर्फ 80 मार्क्स पाओगे, विच विल नॉट टोटल अप टू 50% ऑफ 200 मार्क्स. यानी कि अगर आप किसी में 20 लाते हो तो किसी में आपको 30 लाना पड़ेगा, ठीक है? यानी आपको कितना चाहिए? हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% और टोटल में 100 मार्क्स आने चाहिए. यानी जब रिजल्ट छपे तो जहां टोटल लिखा हो वहां पे आपका 100 या उससे ऊपर होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में 20 या उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे एक डाउट आता है, मैम अगर किसी सब्जेक्ट में 19 हुआ लेकिन टोटल में 105 हुआ तो क्या हम पास माने जाएंगे? नो, सॉरी, ठीक है? बात समझ में आ रही है? और अगर मैम हमारा हर सब्जेक्ट में 22 हुआ लेकिन फिर टोटल कितना होगा? 88, क्या हम पास माने जाएंगे? नहीं, ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको हर किसी में मिनिमम कितना पाना है? 40%, ठीक है? पासिंग कितनी होगी? मिनिमम 50% टोटल, और पेपर वाइज कितना? मिनिमम 40%. डोंट ट्राई टू कॉपी ऑल दिस. अभी मैं आपको प्रॉपर इसका एक नोट्स दे दूंगी जिसमें हम लोग हर चीज को एक कंपाइल्ड तरीके से लिख लेंगे. ओके, नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैम आप कौन है? इतनी देर से जो आप हमें ज्ञान दे रही हैं, आप कौन है? सो हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ सी ऐश्वर्या खंडेलवाल, आई विल बी डीलिंग विद यू ऑल पेपर 3. प्लीज मार्क पेपर 3 ऑफ योर CSEET Business Economics and Business Environment. Okay? To further introduce myself, I had had the experience of teaching thousands of students. I had been working with studyathome.org for quite a few years. The passion that is driving me is teaching and connecting with students. I had been a merit holder during my senior secondary, and I wish all the students whom I deal with and the rest of all the very best for your examinations, and I am always here for your guidance and support. Now, let us discuss just a little bit more about our paper 3, that is business economics. Okay? So, business economics mein aapka 50 marks ka kya hai? Paper hai. Aapke usme aayenge 35 questions. Kitne questions aayenge? 35 questions aayenge. इन 35 क्वेश्चंस में से 15 होंगे 2 मार्क्स के और 20 होंगे 1 मार्क के, ठीक है? सो यू कैन टोटल 15 इनटू 2 30 एंड 20 इनटू 1 इज 20 व्हिच विल टोटल अप टू 50 मार्क्स. ओके, सो यू अंडरस्टैंड कि दिस इज हाउ बाकी आपके पेपर्स में भी मार्क्स डिवाइडेड होंगे. मैम बाकी पेपर्स कौन पढ़ाएगा? ऑफ कोर्स स्टडी एट होम की बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टीज आपको बाकी पेपर्स डील करेंगे. We are always here to support you and to guide you during your new journey of CSEET, right? For any further query, you can any which ways contact us, okay? And all the very best for your examination. Now, फटाफट से हम इसके क्या करते हैं? Pointers बना लेते हैं ताकि आपको CSEET के बारे में कोई भी doubt ना रहे, okay? So let us make pointer about it. फटाफट से जो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो. चलिए हम बात कर रहे हैं
CSEET, which is your CS Executive Entrance Test. Okay, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया है? February 20, which is very 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 latest. Now, पहली बात क्या है ये? It's a computer based examination. Yes, आप स्क्रीन पर होंगे और आपको अपने ऑप्शंस टिक करने हैं, ठीक है? नेक्स्ट मैम, ये कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स. ये कितनी देर का होगा मैम? 120 मिनट्स. ओके, मैम इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हैं 120 क्वेश्चंस, ठीक है? 120 क्वेश्चंस में आपके 170 मार्क्स डिवाइडेड हैं. कैसे डिवाइडेड हैं? कैसे डिवाइडेड हैं? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स हैं, कुछ क्वेश्चंस आपका 1 मार्क का है. ओके, सो इफ यू जस्ट कैलकुलेट द टाइम, तो हर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट ही मिल रहा है प्रोपोर्शनेटली, लेकिन मार्क्स अलग अलग हैं. कुछ क्वेश्चंस ही 2 मार्क्स के हैं, कुछ क्वेश्चंस ही 1 मार्क के. अगर आप 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को इक्वल वेटेज दोगे तो शायद लास्ट में आपका पेपर छूटने का डर हो. इसलिए जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आप उन पे ज्यादा ध्यान दोगे और 1 मार्क्स के क्वेश्चन को फटाफट करोगे. लेकिन इन सारी चीजों के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल बी हैविंग इज 120 क्वेश्चंस. देन कम्स योर पेपर पैटर्न एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? ये पेपर पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपका बता देती हूँ. ओके, ये आपका पेपर 1 है. दिस इज 50 मार्क्स. यू हैव योर पेपर 2 व्हिच इज 50 मार्क्स. Your paper 3, I'm writing it in bolds so that you remember that I am taking your paper 3 business economics and environment, which is again your 50 marks. And then comes your paper 4, which is your current affairs. And that 30 marks of presentation and communication skills is clubbed with this paper 4. So these both total up to 50 marks, which makes it a total of 200 मार्क्स. पर आपको पता है कि आप इसका क्या दे रहे हो? आप इसका दे रहे हो 30 मार्क्स का वाइवा, ठीक है? और आप इसका दे रहे हो, इन सब का दे रहे हो क्या? पेपर 170 मार्क्स का मिला के आप पेपर दे रहे हो. इसमें आप एक बाइफर्केशन और लिख सकते हो कि इसमें आपके आएंगे 15 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स and 20 questions of
1 mark. So this gives a total of 50. Okay? Then comes your best part, which is no negative marks. Isko to aap bada bada likh lo bhai, ki there are no negative marks. Okay. And this is a quarterly exam. Taking place in May, July, November and January. Okay. So that was a brief about your CSEET. I wish you all the best and I wish you all the luck for your upcoming journey with Study at Home. Thank you so much. See you in further classes.